मैं हूँ रंजना, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफस्टाइल बाय रंजना में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा फेसपैक, जैसे कि अभी करवा चौथ दीपावली आने वाली है तो उसके लिए बेस्ट है। और ये बहुत इजी प्रोसेस है लेकिन बहुत प्यारा है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सब जो हमारे घर में खाने की चीज़ें हैं उन्हीं से बनाया है मैंने। और लगाने के बाद ना मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मतलब हम लगाने के जस्ट तुरंत बाद ही मुझे लगा कि चेहरे में एकदम कसावट आ गई है, एकदम तरोताजा हो गया। तो डेफिनेटली आप ही ट्राई जरूर कीजिए। और इसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है बनाना। आपके पास एकदम जो पका हुआ फ्रेश नहीं चाहिए, मतलब पका हुआ एकदम जो अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, उस टाइप का आपको बनाना चाहिए। और बनाना क्या होता है कि हमारे चेहरे में चमक बढ़ाता है, हमारे चेहरे में कसाव लाता है और मॉइस्चर देता है। तो केला बहुत अच्छा होता है खाने के साथ साथ, आपको स्किन पे लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए पका हुआ केला, उसको अच्छे से स्पून से मैश कर लीजिए, वो इजीली मैश हो जाता है क्योंकि बहुत अच्छा सॉफ्ट होता है। तो आप इसको ले लीजिए और ये आपकी त्वचा में, वैसे भी आप जब केले के छिलके को भी आपके अपने चेहरे पर सिरप करेंगे ना तो भी आपको अपने चेहरे पर चमक दिख जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है केला, और नेक्स्ट जो मैंने लिया है कोको पाउडर। कोको पाउडर भी हमारे घर में मिल जाता है, तो कोको पाउडर ना हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन में जो भी गंदगी होती है ना उसे रिमूव करता है और चेहरे पे कसावट लाता है, मतलब एकदम टाइटनिंग फील करवाता है चेहरे पे। तो कोको पाउडर हमें यहाँ पर ले लेना है। और नेक्स्ट जो लेना है वो चॉकलेट। जी हाँ, आपने सही सुना, चॉकलेट। चॉकलेट खाने के साथ साथ हमारे चेहरे पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पर चॉकलेट कैसे लेनी है, आपको डायरेक्ट चॉकलेट नहीं लेनी है, उसे हमें मेल्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट कर लीजिए, तो किसी भी कटोरी में रख लीजिए उसको, फिर डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से आप मेल्ट कर लीजिए। और उसको जो हमने यहाँ पर बनाना और कोको पाउडर लिया है ना उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेल्ट होने के बाद अच्छा सा वो एक फेस पैक की तरह बन जाएगा, तो उस तरह से आपको इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसे जब ठंडा हो जाए तब अप्लाई करना है, मतलब एकदम गरम गरम हमें चेहरे पे नहीं लगाना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर लगाएंगे। तो फिर जब चेहरे पे लगाना है, और कम से कम आपको इसको 15 मिनट तक छोड़ देना है, एकदम ड्राई नहीं होने देना, हल्का सा जब हल्का हल्का गीला रहेगा तभी हमें इसे हटाना है। तो जब आप ये लगाएंगे ना और इसको जब रब करेंगे, जब धोने की बारी आएगी मतलब सूख जाएगा ना, तब हल्के हल्के हाथों से पहले इस तरह से आप किसी भी गीले नैपकिन से या किसी से भी ले लीजिए, उससे आप हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे से इसे रिमूव कीजिए। तो इसके साथ ना आपके जो चेहरे पे छोटे छोटे बाल हैं अगर, तो वो भी इसके साथ साथ रिमूव हो जाएंगे। और आप जैसे ही इसे धोएंगे ना तो आपको इमीजिएटली इसका फर्क नज़र आ जाएगा कि चेहरे में एकदम कसावट आपको फील होगी, एकदम टाइटनिंग फील होगी, एकदम चेहरे पर ऐसा लगेगा कि चमक आ गई है। जो भी आपकी डलनेस से चेहरे पे दाग धब्बे वो भी आपकी धीरे धीरे इससे निकल जाएंगे, और तुरंत ये फायदा देने वाला फेस पे के। तो आप जरूर ट्राई कीजिए और इस करवा चौथ पर बन सवार के तैयार होके मस्त पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं, घर में ही हम ये सब बना लेंगे। तो पार्लर वैसे भी बहुत महंगा हो जाता है, पार्लर दीपावली और अभी करवा चौथ पे तो वैसे भी सीजन रहता है ना, तो बहुत पैसे लेते हैं पार्लर वाले। तो आप घर पे ही इस तरह का कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव है, ट्राई जरूर कीजिए और डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।